Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक मैरिड कपल को जिसमें लड़की का नाम है कल दूंगी जो कि देती तो रोज थी बस उसका नाम ही कल दूंगी है और लड़के का नाम है नाड़ी दोस्त जिन्होंने अपनी किस्मत की लाइन पत्थर पर खींचने से पहले ही शादी कर ली थी तो वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे नाड़ी दोस्त एक कंपनी में सेल्स है जो कस्टमर को फोन करके उन्हें साबुन तेल पानी थूक लगा चिपकाता था पर उस काम में भी वो कुछ खास नहीं था इसीलिए उसका बोस उसे हर पल 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 गाली देता रहता था कि साले गधे के बच्चे कुछ काम कर लिया कर थोड़ा अच्छे से थूक लगा लिया कर वही अपनी गरीबी से उभरने के लिए कल दूंगी भी अपने पिछवाड़े तक तक का पूरा जोर लगा रही थी वो अब इंटरव्यू दे चुकी है पर अब तक किसी ने भी उसको झाड़ू मारने का काम तक नहीं दिया हालांकि वो खूबसूरत थी अगर वो उनसे घोड़ी बनने का काम मांगती तो उसे आसानी से मिल जाता खैर घर पर जब वो अपने लिए न्यूज़पेपर में और जॉब ढूंढ रही थी तभी कोई उसके दरवाजे को नोक करता है दरवाजा खोल बा वो दरवाजा खोलती है और अपने सामने उसके ठर की मालिक झक्का सेठ को पाती है जो कि उससे यहाँ किराया मांगने आया था जिसकी लेजर लाइट जैसी गंदी नजर इतनी खराब थी कि वो चाहे तो दूर खड़ा खड़ा कलदूंगी को प्रेग्नेंट कर सकता था जो उससे कहती है हमारे पास अभी पैसे नहीं है हम कुछ दिनों में दे देंगे वो कहता है ठीक है किराया नहीं है तो अपना भांग भोसडा ही दे दे तब तक वहाँ कलदूंगी का हसबेंड नाड़ी दोष आ जाता है जिससे झक्का सेठ बहुत जलता था क्योंकि ऐसे ढक्कन आदमी के लिए कलदूंगी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं बनी थी अब घर पर उन दोनों के पास खाने के लिए सल्फास की गोली भी नहीं थी तो वो दाल आटा चावल खरीदने स्टोर जा रहे थे कि तभी उनकी खटारा से एक ट्रक टकरा जाता है पर किस्मत अच्छी होने की वजह ऐसी किसी को भी खरोच तक नहीं लगती जिसकी कम्प्लेन लिखवाने के लिए वो पुलिस वालों को वहाँ बुला लेते हैं ताकि उन्हें इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिल जाए तभी कल दूंगी की नज़र सड़क आरोप एक एंटिक शॉप पर पड़ती है जिसकी बूढ़ी मालकिन एक लोहे की टंकी से एक गोल्डन चायदानी उठाकर अपनी शॉप पर जा रही थी जो चायदानी कल दूंगी को एक ही नजर में भा जाती है तो वो उस बुढ़िया के पीछे पीछे उस दुकान में जाती है जहाँ वो देखती है की बुढ़िया ने उस चायदानी को एक टेबल पर रख दिया है और वो ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे की वो यहाँ कोई सामान खरीदने आई है और जब वो बुढ़िया किसी काम से इधर उधर हो जाती है तो वो चुपके से उस चायदानी को उठाकर अपने घोचू मर्द नाडी दोस्त के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है अगली सुबह नाडी दोस्त फिर से अपने थूक लगाने के काम पर जाता है जहाँ उसका बोस उसे नौकरी से निकाल देता है की साले टोपले तेरे बस की बात ही नहीं है किसी कस्टमर को टोपी पहनाना तो तू यहाँ से निकल वहीं घर पर कल दूंगी जब फोन पर किसी से अपनी नौकरी की बात कर रही थी तब गलती से उसका बाल स्ट्रेट करने वाला चिमटा उसे टच हो जाता है जिससे उसको जलने वाला दर्द होता है और तभी वो चायदानी खड़खड़ा कर हिलती है जिसको वो चेक करती है तो उसके अंदर उसे दो सौ डॉलर मिलते हैं जिसके बाद फिर से वो उस गर्म चिमटे को अपने फोर हेड से टच करती है जिससे उसको दर्द होता है तो वो चायदानी फिर से खड़खड़ा कर हिलती है जिसमें उसे इस बार सात सौ डॉलर मिलते हैं जिन फ्री के पैसों को देख कर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और समझ जाती है की ये चायदानी जब जब उसे दर्द होता है तो उसके बदले में वो उसे पैसे देती है जिस सबसे उसके दिमाग में एक आता है तो वो अपने घुस को अलमारी में देकर मारती है जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो वो चायदानी उसे बहुत ज्यादा पैसे देती है आगे अब नाड़ी दोस्त जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था वो जल्दी घर आ जाता है और देखता है कि पूरे घर में खून टपका हुआ है और सारी चीजें टूटी फूटी पड़ती है जो सब देख उसको कल दूंगी की फिक्र होती है तो वो फटाफट बेडरूम में पहुँचता है और उससे पूछता है तुम्हे क्या हुआ है वो कहती है बस मैं सीढ़ियों से गिर गई थी नाड़ी दोस्त कहता है पर चूतिया हमारे घर में तो है ही नहीं चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उससे पूछती है तुम आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए नाडी दोस्त कहता है बोस ने मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी वो कहती है ये तो अच्छा ही हुआ क्यूँकी अब हमें किसी भी जॉब की कोई जरूरत नहीं है और उसे एक बढ़िया सा माच जड़ देती है जिससे उस चायदानी में पैसे आ जाते हैं जिन पैसों को वो झाड़ते हुए कहती है ये तेरी सैलरी से कहीं ज्यादा है नाड़ी दोस्त कहता है कमीनी तूने मुझे मारने से पहले इस चायदानी में ये पैसे रखे थे ना वो कहती है नहीं मैं माँ कसम खाकर कहती हूँ मैंने इसमें झाट का बाल तक नहीं रखा और उसके आंडो पर अपना घुटना पिला देती है जिससे नाड़ी दोस्त को बहुत ज्यादा पेन होता है तो उस चायदानी से बहुत सारे पैसे निकलते हैं जिसके बाद वो अपने निठल्ले हस्बैंड को बहुत बढ़िया से रगड़ती है और चायदानी से पैसे निकलते ही रहते हैं जो सब नाड़ी दोस्त को ठीक नहीं लगता तो वो कहता है हमें नौकरी की जरूरत है और ये कोई नौकरी नहीं है कल दूंगी कहती है छोड़ना यार नौकरी करके वैसे भी तूने क्या उखाड़ लिया आज तक हम गरीबी में अपनी घिसवा ही रहे हैं ऊपर वाले ने हमें ये चायदानी का एक तोहफा दिया है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है की वो चायदानी उसके बगल में नहीं है जिससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्यूँकी नाड़ी दोस्त उसे वापस उसी एंटीक सोप पर देने गया था पर उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वो एंटीक शॉप परमानेंटली क्लोज हो चुकी थी अब शहर में ही एक एंटीक चीजों का शो चल रहा था तो वो उस चायदानी को लेकर वहाँ जाता है जिस चायदानी की कीमत पांच हजार डॉलर लगाई जाती है क्योंकि उसके ऊपर ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड की नक्काशी की गई थी जो सब कुछ टीवी पर एक चीनी बंदा जिसका नाम लोड़ा यासी था देख रहा था और वो उस चायदानी की जगह को अपने नक्शे में पिन कर लेता है वही नाड़ी दोस्त उस चायदानी को लेकर वापस अपने घर पहुँचता है और अपनी वाइफ कल दूंगी से वादा लेता है है की वो चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले इस चायदानी को कचरे में फेंक देंगे जिस पर वो कहती है ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ एक मिलियन डॉलर बनाने के बाद हम उसे कभी भी यूज नहीं करेंगे जिसके बाद वो दोनों अपने हाथ को चलती गैस पर रखते हैं जिससे उन दोनों को दर्द होता है तो चायदानी उन्हें पैसे बना कर देती है आगे कल दूंगी वैक्सिंग करवाने जाती है और पैसे कमाती है फिर वो दोनों अपने आप को दर्द देने के लिए टैटू भी बनवाते हैं और नाड़ी दोस्त अपने सही सलामत दात को निकलवा देता है बिना दर्द के इंजेक्शन के क्योंकि जितना ज्यादा दर्द उतने ज्यादा पैसे जिस दर्द की कमाई को वो अपने कमोड़ के फ्लस टैंक में छुपा देते हैं और दर्द की नौकरी से एक दिन की छुट्टी लेकर आराम करते हैं तभी दो शख्स उनका दरवाजा खटखटाते हैं नाड़ी दोस्त दरवाजा खोलता है और वो दोनों दड़ियल बंदे उसे दे लात दे घुस बढ़िया से पिलाते हैं जिसके बाद वो उससे पूछते हैं की वो चायदानी कहाँ है हमने तुम्हे टीवी पर देखा था वो चायदानी हमारी खानदानी अनमोल विरासत है तुमने वो हमारी दादी से चुराया था अब कल दूंगी जिसकी फटी पड़ी थी कहती है हमने उस चायदानी को बेच दिया वो दड़ियल कहते हैं ठीक है हमें वो पैसे दो जो तुमने उसे बेच कर कमाए हैं कल दूंगी चुपके से चायदानी से पैसे निकाल कर उन्हें दे देती है जो लगातार नाड़ी दोस्त की कुटाई के दौरान उस चायदानी में बन रहे थे वो पूछते है तुम्हारे पास अचानक से ये पैसे कहाँ से आए जबकि तुम तो पैसे लेने कहीं गई भी नहीं वो कहती है मैंने इन्हें अपनी बड़ी बड़ी चूचियों में छुपा रखा था जिन पैसों को लेकर वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं इस बात से अनजान की उनके कमोड़ में बहुत सारे पैसे हैं। जिन पैसों से वो महंगी महंगी गाड़ी और महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं और तो और वो साले एक महंगा सा घर भी खरीद लेते हैं जिस घर में वो एक पार्टी रखते हैं और अपने सारे अमीर दोस्तों को बुलाते हैं जिन्हें देख वो कभी जला करते थे तभी उनके नए घर पर वो चीनी बंदा जिसका नाम लोड़ा यासी था उनसे चायदानी के बारे में बात करने आता है कहता है हमें अभी उसके बारे में बात करनी होगी इससे पहले की बहुत देर हो जाए पर वो तो जैसे चायदानी के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे जिस पर वो उसे वहाँ से भगा देते हैं शाम के टाइम जब वो दोनों रही रिलैक्स कर रहे थे तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है, ठक 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 दरवाजा खोल पोर कल दूंगी दरवाजा खोलती है और अपने सामने अपने पुराने मकान मालिक झक्का सेठ को पाती है है जो जो साला देसी के नशे में चूर था था उनकी अमीरी से जला पड़ा था तो पूछता है तुम साले ऐसे किस अमीर रहीस से अपनी मरवा रहे हो जो तुम लोगों ने अचानक से इतने सारे पैसे कमा लिए जिस पर कल दूंगी उसे इज्जत से वहां से जाने के लिए बोलती है जिसमे वो धोखे से उस चायदानी को उससे छीन लेता है जिसको लेकर वो घर के बाहर भाग जाता है वो दोनों उसके पीछे भागते है उससे उनकी चायदानी वापस लेने के लिए पर वो ऐसा नहीं करता जिस पर वो उसको सड़क पर फेंक देता है और उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है क्योंकि उस घोचू को झाट भी नहीं पता था कि उस चायदानी में कितनी कमाल की ताकत है कल दूंगी दौड़कर उस चायदानी को उठाती है और देखती है कि उसे कोई भी नुकसान नहीं उस पर तो साली एक खरोच तक नहीं लगी जिसके बाद वो उस चायदानी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोड़ा यासी के पास जाते हैं जो उन्हें फर्स्ट मीटिंग में अपना विजिटिंग कार्ड देकर गया था कहता है ये चायदानी लगभग 2000 साल पुरानी है और और इतिहास में एक से एक बड़े धुलंदर के हाथों से गुजरी है आखिरी बार उसे सन उन्नीस में हिटलर के पास देखा गया था और जानते हुए की सबसे बेकार बात यह है कि वो इंसान से बहुत बुरे बुरे काम करवाती है जिससे उसको यूज करने वाला इंसान एक दिन अपने आप को पहचानना ही बंद कर देता है कल दूंगी कहती है ठीक है हम अपनी लिमिट्स जानते हैं और जानते हैं कि इस चायदानी को कब और कैसे यूज करना है लोड़ा यासी कहता है हाँ वो सभी भी जानते थे जिनके पास आज तक वो चायदानी देखी गई थी पर क्या तुम ये जानते है उन सभी का अंत बहुत बेरहम हुआ था अब नाड़ी दोस्त जिसकी उस चायदानी को लेकर शुरुआत से ही फटी पड़ी थी पूछता है तो हमें इस चायदानी का क्या करना चाहिए लोड़ा यासी कहते है उस चायदानी के प्रकोप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है उस चायदानी को मुझे दे दो क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है की उसे मानव जाति की नजरों से कहीं दूर छुपा दिया जाए जो बात कल दूंगी को झाट भर भी पसंद नहीं आती तो वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और रात को जब वो सो तो रहे थे तब कोई उनके घर में चुपके से घुसता है जो कोई ये दोनों दड़ियल भाई हैं जिन्होंने उन दोनों के छुपाए हुए पैसे खोज कर निकाल लिए थे और वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी कल दूंगी अपने हाथ में चायदानी लेकर उन दोनों के सामने आती है जिसे देख वो दोनों एक बार तो घबरा से जाते हैं और कहते हैं अगर हम तुम्हें ये बताए की ये चायदानी तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है तो क्या तुम्हे इससे कोई फर्क पड़ेगा नाड़ी दोस्त पूछता है तो क्या तुम्हे शुरुआत से ही पता था की ये चायदानी हमारे पास ही थी वो कहते हैं हाँ हम जानते थे और हमें तुमसे वो चायदानी नहीं चाहिए हमें उसके बदले बस तुमसे, तुमसे तुम्हारे पैसे चाहिए और कहते हैं तुम लोग समझदार दिखते हो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस चायदानी से अपना पीछा छुड़वा लो और पैसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं जिस पर वो दोनों उन पर हमला कर देते हैं कि हम तुम्हें अपनी दर्द की कमाई ऐसे ही नहीं ले जाने दे सकते पर वो दोनों भाई लड़ाकू थे तो उन दोनों को धूल चटा वो पैसे वहाँ से ले जाते हैं अगले दिन अब उनके पास इतने ही पैसे थे जितने कल दूंगी के हाथ में है जो की उन्हें बहुत कम लग रहे थे तो वो पैसे कमाने के गलत गलत रास्ते सोचते हैं जिन कामों को करने के लिए वो एक बार में जाते हैं जहां नाड़ी दोस्त एक खूंखार गुंडे के साथ बक्चोदिया करने लगता है जिसमें वो खूंखार गुंडा उसे अच्छे से धोता है और उन दोनों की अंधी कमाई होती है आगे एक दिन जब कल दूंगी उस चायदानी के साथ सड़क के किनारे बैठी थी तभी वहाँ एक लड़का जो स्केटिंग कर रहा था गिर जाता है जिसके गिरने से उस चायदानी में पैसे बनते हैं जिससे वो समझ जाती है की अगर उनकी चायदानी के आस किसी को भी चोट पहुँचेगी या दर्द होगा तो भी उनकी कमाई होगी जो की एक अच्छा और सरल आइडिया था पैसे बनाने का तो वो बॉक्सिंग क्लब जाते हैं बॉक्सर एक दूसरे को बढ़िया से कूट रहे थे और चायदानी दबाकर पैसे बना रही थी जिसके बाद कल दूंगी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही थी जिससे उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था तो चायदानी उस दर्द के हिसाब से दबा पैसे बना रही थी जो सब करके वो बहुत कम टाइम में फिर से बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं जितने उन्होंने आज तक अपने आप को चोट पहुँचा कर नहीं कमाए थे अगले दिन वो दोनों अपनी नई बी एमडब्ल्यू से कहीं जा रहे थे जहाँ किसी बात पर उन दोनों की नोकझोंक हो जाती है जिसमें नाड़ी दोस्त कल दूंगी को कुछ बुरा भला कह देता है जो बात उसके दिल पर लगती है तो वो कार से उतर जाती है और देखती है की वो चायदानी बिना मतलब के ही पैसे बना रही है जो सब देख वो सोच में पड़ जाते हैं उन्होंने तो यार किसी को भी चोट नहीं फिर ऐसा क्यों हो रहा है अब कल दूंगी जो पैसों के पीछे पागल थी और इंसानियत भूल चुकी थी समझ जाती है कि बस दर्द होना चाहिए चाहे वो दर्द दिल पर हो या किसी के शरीर पर और नाड़ी दोस्त से कहती है साले लूजर तेरी औकात ही नहीं थी मेरी जैसी लड़की को पाने की तू कभी भी मेरे मेरे लायक नहीं था तेरी वजह से मैं गरीबी में जी रही थी जरा सोच कर देख कितनी अच्छी हूँ मैं जो तेरे जैसे गरीब के साथ खड़ी हूँ अब ये बात नाड़ी दोस्त के दिल पर लगती है तो वो चायदानी उन्हें फिर से पैसे बना कर देती है जो आइडिया कि चोट पहुँचाए बिना पैसे कमा सकते हैं जिस पर वो दोनों घर पहुँचते हैं और एक दूसरे को अपना दबाया हुआ सच बताकर ठेस पहुँचाने लगते है नाड़ी दोस्त कहता है जब हम कॉलेज में थे तब मैंने एक लड़की की दबा कर बजाई और उसको मस्त वाली किसकी और सच बताऊं तो जब जब मैं तुम्हें किस करता हूं या जब जब तुम्हारी मारता हूं तब तब मुझे उसकी याद आती है जो सुनकर कल दूंगी को बहुत ठेस पहुंचती है है तो वो चायदानी उन्हें बहुत से पैसे बना कर देती है। अब कल दूंगी की बारी थी जिसमें वो उसे एक बड़ा सा झटका देती है कहती है आज से तीन साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे इसीलिए मैंने अपने पुराने मकान मालिक झक्का सेठ से अपना झक्का मरवाकर किराए का भुगतान किया था जो बात सचमुच बहुत ज्यादा बड़ी थी तो चायदानी धड़ाधड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ पैसे बनाती है जो बात नाड़ी दोस्त को बहुत बुरी लगती है तो वो पैसों को उठाकर उसके मुंह पर मारता है कहता है ले खाले साली कुतिया इनको और गुस्से में में उसको अपनी में पटक कर झक्का सेठ के हवाई अड्डे पर पहुंचता है जहां वो इस आरी को उसके घोड़े पर चलाने गया था तभी वहाँ झक्का सेठ की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जिससे वो कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी बीवी की दबा कर मारी थी और किसी भालू की तरह उसकी जंगली सवारी की थी जो सब सुनकर झक्का सेठ की गर्लफ्रेंड उस पर भड़क पड़ती है और वो दोनों हाथा पर उतर आते हैं जिस बीच झक्का सेठ की नजर उस चायदानी पर पड़ती है जो पैसे बना रही थी पर उसको लंड भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है कल दूंगी फटाफट उससे अपनी चायदानी वापस लेती है और वो दोनों वापस घर रवाना हो जाते हैं जहाँ हम देखते है की उनकी तिजोरी अब तक बहुत सारे पैसों से खचाखच भर चुकी है पर कल दूंगी चाहे कितने भी पैसे बना ले उस साली को वो सब कम ही लग रहे थे जिसका लालच देखकर नाड़ी दोस्त समझ जाता है कि ये सब उस चायदानी के काले जादू की वजह से हो रहा है जिसका तोड़ निकालने के लिए वो लोड़ा यासी के पास जाता है और उसे बताता है कि उन दोनों के साथ क्या क्या हो रहा है वो पैसे तो कमा रहे हैं पर उनकी जिंदगी टूटे लोहड़े माफिक हो गई है लोहड़ा यासी उसे अपने दादा और परदादा की फोटो दिखाता है और कहता है उन्होंने शपथ ली थी की वो चाय दानी को खोजेंगे और हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से कहीं दूर छुपा देंगे जो अवसर उनको तो नहीं मिला पर वो अवसर मेरे पास है जिसका उन दोनों ने जीवन भर इंतजार किया था नारी दोस्त पूछता है तो यार तुम हमारे घर में घुसकर उस चायदानी को चुरा क्यों नहीं नहीं लेते वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम लोगों ने उस चायदानी को अपनी इच्छा के विरुद्ध दिया तो वो तुम्हें फिर से कैसे भी ढूंढ लेगा इसीलिए तुम्हें उसे खुद मुझे मुझे दान करना होगा और जितना कि मैं जानता हूं, अब तक बहुत देर हो चुकी है तुम लोग मुझे कभी भी उस चायदानी को नहीं दोगे क्यूँकी तुम लोग उसके लालच में फंस चुके हो जो अब तुम्हारी जान लेकर ही रुकेगा नाड़ी दोस्त पूछता है तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं बस हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करूंगा कि कब तुम मरो और कब उसको नया मालिक मिले और मैं उसको भी वही समझाऊंगा जो मैंने तुमको समझाया अब ये सारी बातें नाड़ी दोस्त को बहुत बुरी लगती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जल्द ही भ्रष्ट होने वाले हैं जिसमें वो फटाफट घर पहुंचता है और उस चायदानी को हाथ में पकड़कर खिड़की के पास बैठ जाता है और कल दूंगी से कहता है तुम मुझसे वादा करो की आखिरी बार तुम इससे पैसे कमा कर इस चायदानी को लोड़ा यासी को दे दोगी वो कहती है हाँ मैं वादा करती हूँ पर तुम खिड़की से दूर हट जाओ जिस पर नाड़ी दोस्त उसके दिमाग से लालच को दूर करने के लिए और प्यार जगाने के लिए उस खिड़की से नीचे कूद जाता है कल दूंगी दौड़ती हुई उसके पास पहुंचती है और जोर जोर से रोने लगती है जिस दौरान वो चाय पत्ती दबा कर पैसे बना रही थी पर कल दूंगी को अब पैसे नहीं चाहिए थे कुछ ही देर में नाड़ी दोस्त को होश आ जाता है जिससे वो कहती है कल सुबह होते ही हम उस चायदानी को लोड़ा यासी के हाथों में सौंप देंगे आधी रात में जब वो सो रहे थे तब कोई उनके घर में घुसता है अबे बहन चो हर कोई बार बार उनके घर में ही क्यों घुसता है अबे सालो इतने पैसे हैं तो एक सिक्योरिटी अलार्म ही लगा लो यार खैर जो भी हो वो दोनों दौड़कर नीचे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो चायदानी नीचे टेबल पर नहीं है जिसको उनका पुराना मालिक झक्का सेट उठा ले गया था जो सब देखकर वो खुश हो जाते हैं कि चलो सारी बीमारी हमारे यहाँ से टली पर नाड़ी दोस्त एक अच्छा नागरिक था तो वो कहता है हमें किसी भी हाल में वो चायदानी लोड़ा यासी तक पहुँचानी ही होगी जिसमे वो फटाफट से झक्का सेट के हवाई अड्डे पर पहुँचते हैं जहाँ वो देखते हैं की उसका पूरा हवा महल तहस नहस हुआ पड़ा है जिसका मतलब ये था की उसने अपने आप को चोट पहुँचा कर सारे पैसे कमा लिए हैं जो कि अचानक से बाहर निकलकर उन पर अपनी गन तान देता है और कहता है तुम्हें मारकर मैं अब और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और इससे पहले की वो गोली चलाता नाड़ी उस पर टूट पड़ता है इतने में ही झक्का सेठ की गर्लफ्रेंड अपनी दुनाली लेकर आ जाती है तभी वहाँ दोनों दड़ियल भाई भी आ जाते हैं और उन दोनों पर अपनी गन तान देते हैं कहते हैं हमें सारे पैसे दे दो जितने भी तुमने अब तक कमाए हैं क्योंकि वो चायदानी मेरी दादी की थी जिसको उन्होंने हिटलर से चुराया था और पहाड़चो इन दोनों ने हमारी दादी से चुराया था जिस पर झक्का सेठ उन्हें पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है तो एक दड़ियल उसे गोली से उड़ा देता है जिस पर वो चायदानी दबा कर नोट छापने लगती है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने लिए सेफ जगह ढूंढ कर वही छुप जाते हैं जिसमे कई गोलियां चलती है और सभी मारे जाते हैं और इतने पैसों की बारिश होती है जितने उन्होंने आज तक नहीं कमाए थे खैर वो दोनों उन सारे पैसों को इकट्ठा करते हैं और उस चायदानी को लेकर उस हवा महल से बाहर आते हैं जहाँ लोड़ा यासी उनका इंतजार कर रहा था जिसको वो सरापित चायदानी दे देते हैं जो उनसे कहता है तुम सचमुच बड़े दिलदार इंसान हो क्योंकि इससे पहले ये चायदानी बहुत से लोगों के पास गई पर किसी में भी इतना दम नहीं था कि वो इसे किसी को भी अपनी इच्छा से सौंप दे जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं नाड़ी दोस्त अपने एक कॉलेज के गरीब दोस्त को ढाई लाख डॉलर का एक चेक भेजता है जिसे देख उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये दोनों भी अब अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे हैं जिसमे कल दूंगी अब प्रेगनेंट हो चुकी है और लोड़ा यासी उस चायदानी को लेकर बरमुंडा ट्रैंगल पहुंच गया है जिसको वो समुद्र में फेंक देता है ताकि वो सन की चायदानी किसी के भी हाथ ना लगे जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद